morning friends, I am Meena Singh Yadav from Sunshine School in India. Today I am going to teach in class 3 science topic growth of living things. Living things, what are living things? Those things which have characteristics of growth, feeling, breathing and reproduction are all living things. As you know that in our daily life, we see many types of living things and non-living things. In our livelihood, for example, plants, animals, and human beings are living things. But air, water, books, tables are non-living things. Name of living things and non-living things. Now, name of living things and non-living things. Cow, lion, plant, dog, human, tree. Non-living things, pen, air, chair, pencil, paper, water. All it will be. We are going to study Hindi. We must be जो जिनमें ग्रोथ होता है, सांस लेती है, रिप्रोडक्शन की क्षमता रखती है और उनके अंदर फीलिंग होता है, उन्हें हम सजीव वस्तुएं कहते हैं। जैसा आप जानते हैं अपने पास में रोज के जीवन में बहुत सी वस्तुओं को आप देखते हैं जो सजीव हैं और निर्जीव भी हैं। जैसे आप वायु, पानी, भूख, ट्रेवल और निजी वस्तु की जो आप लिस्ट है, गाय, सिर, पौधे, कुत्ता, मानव और पेड़। निजी वस्तुएं हैं आपकी कलम, हवा, चेयर, पेंसिल, पेपर, इत्यादि। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, यू नो दैट ऑल लिविंग थिंग्स एंड नीड एयर, वाटर एंड फूड फॉर कीपिंग अलाइव एंड टू गेट एनर्जी। आप सभी जानते हैं कि मनुष्य को या सभी जीवित वस्तुओं को जीवित रहने के लिए या ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हवा, पानी और भोजन की आवश्यकता होती है। दे कैन नॉट मूव, दे कैन मूव ऑन प्लेस वन प्लेस टू वन प्लेस टू अनदर। जीवित वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपना प्लेस को चेंज कर लेती हैं, लेकिन निजी वस्तुएं दे हैव नो क्वालिटी टू रिमूव वन प्लेस टू अनदर। उनके अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की क्षमता नहीं होती है, वे निजी वस्तुएं कहलाती हैं। दे डू नॉट ग्रो, फील, ब्रीथ एंड प्रोड्यूस। उनके अंदर न तो आगे बढ़ने की क्षमता होती है, न तो वे सांस लेती है और न ही वे प्रजनन करती है। देखिए फ्रेंड्स, ये छोटा पौधा है, ये बड़ा पौधा है, दोनों में छोटा पौधा ही बड़े पौधे के रूप में परिवर्तित हुआ है, इसलिए इसके शेप एंड साइज में क्या है, परिवर्तन हुआ है। ये जीवित वस्तुओं में हमेशा कंटिन्यूअस लगातार परिवर्तन होते रहते हैं, जिससे इनका शेप एंड साइज, हाइट,
और उसका लेंथ सब चेंज होता रहता है। वी रीड नेक्स्ट वीडियो अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ एंड एनी थिंग्स। That's all for me. Students, it is a homework. Write the name of 10 living and non-living things. First question. Second question is, state 4 characteristics of living things. Question number 2. That's all.